स्टार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर बटाला से है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा बटाला के नजदीकी गांव ढपई में एक समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर और सांसद सनी देओल के ट्वीट समेत दूसरे कई मसलों को लेकर केंद्र सरकार तीखे प्रहार किए। कैबिनेट मंत्री बलविंदर सिंह सिद्धू ने गुरदासपुर के बीजेपी के सांसद सनी देओल के ट्वीट पर कहा कि मजा तो तब है अगर सनी देओल लोगों के बीच आकर बात करे। गुरदासपुर आकर किसानों के धरने में आकर बैठे, मोदी के घर के बाहर जाकर धरने पर बैठते। जब तक अमित शाह, राजनाथ और मोदी किसानों की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे तब तक यह मसला हल नहीं होगा। केंद्र के सरकारी एजेंसियों के बयान पर कहा कि धरने में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बैठे हैं। अगर यह मसला जल्द हल न हुआ तो यही हलचल पूरे देश में दिखाई देगी। लोकतंत्र में सरकार को अपनी ईगो नहीं देखनी चाहिए। जब हम लोगों के लिए कोई कानून बनते हैं तो उसे सभी विधानसभा में भेजा जाता है। अगर विधानसभा पास करे तो उसका कानून बनाया जाता है। केंद्र ने सभी कानून छीके टांग कर ये खेती काला कानून बनाया है। इसमें 3 राज्यों के लोग प्रभावित होंगे। जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया है वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री त्रिपत बाजवा ने कहा कि केंद्र सरकार हो अपना राज हट छोड़ना चाहिए। लोगों को सरकार को लोगों के मसले हल करने चाहिए। किसी से यह छुपा नहीं नए कानून किसानों के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कानून को रद्द करें। वहीं गुरदासपुर से सांसद सनी देओल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते कहा सनी देओल न किसान है न उन्हें किसानी का पता है। वह अपने शहर के रहने वाले हैं। उनकी इस तरह की बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए। केंद्र व किसानों की मीटिंग पर कहा कि हर बात का हल मिल बैठकर ही निकलता है। केजरीवाल के किसान धरने में पहुंचने पर कहा कि पहले केजरीवाल ने किसानों के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब किसानों के हक में उतर आए हैं। केजरीवाल दोगली पॉलिसी अपनाकर दोनों तरफ बनाकर रखना चाहते हैं। किसान आंदोलन में एजेंसियों का हाथ की बात की जा रही है, उसमें किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कही जा रही है। केंद्र के पास सीबीआई और आईबी है, उससे जांच कर लें और पकड़ लें। प्राइम न्यूज 24 के लिए बटाला से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। देखो सेंटर सरकार नूं अपना राज हट छड्डना चाहीदा ते लोकां दी सरकार आ, लोकां दे भले वास्ते सोच के वो फैसला लेना चाहीदा। हुण किसे नूं ओला नहीं रह गया भी ये जिहड़े बनाए कानून ने इस तों सारी किसानी दुखी आ। पहलां तां पंजाब दा किसान उठिया सी, हुण हौली हौली सारे मुल्क दा किसान उठण डिया। सो मेरी हथ जोड़ बेनती है सेंटर सरकार नूं कि अपना राज हट छड्ड के असलियत पछाणन ते किसानां दे हक दी गल कर। गुरदासपुर के जिहड़े सांसद ने सनी देओल आए तो है नहीं इत्थे, पर उन्होंने एक ट्वीट किया है कि यह किसानी का केंद्र सरकार का मसला आपसी हल बैठ के कढ लैणगे, पर जिहड़े अपने स्वार्थ वास्ते अड़चना पा रहे हैं उन्होंने विच नहीं आना चाहिए। देखो वो ना किसान नहीं है, ना किसान है, ना किसानी नाल जुड़िया, ना उन्होंने किसी प्रॉब्लम का पता। वो दिल्ली से रहने वाला बछिंदा, उन्हें ओह जी गल करनी, ओहदी गल दा पता गुस्सा ना करो। तुहानू लगदा सर कि मीटिंगां लगातार हो रही ने, हुण फिर 9 तरीक की मीटिंग रख दी, मीटिंगां दा कोई हल निकल सकदा? देखो गलबात ही हल निकलदा वा, आस रखनी चाहिए है भी हल निकल निकलेगा। तो असी अरदास ही करने भी परमात्मा दोवां पासियां नूं कि समत बख्शे, किसी ना किसी निर्णय जरूर पहुंचन। ए साडा पड़ा ये मेरे ख्याल फरवरी हो जाएगी। केजरीवाल नूं काफी देर बाद समझ आ गई है, अज वो भी किसान धरने च गए जी। चलो जी पहला नोटिफिकेशन कर लिया हक च, हुण किसान धड़े जिहड़े दोवें पासे रखना चाहुंदा है। चलो जी किसान बदनाम कर लिया भी एजेंसियां दा काम है। सेंटर सरकार को सारी अपनी सीआईडी है, आईबी है, उन्होंने पता होना चाहिए, फिर जिहड़े हैगे ने फड़ लैण। देखो डेमोक्रेसी दे विच हंकार नूं कोई थां नहीं हुंदी, ईगो नहीं कदे रखनी चाहीदी। लोकतंत्र दे लोकां दे कोई आपां खिलाफ जो कोई कानून बनाउने आ, पहली गल तां इहनां नूं जिहड़ा कानून बणदा है इह बकायदा सारियां विधानसभा च जांदा है। जे कानून बणदे ने ते विधानसभा पास करदियां ने, जे विधानसभा पास नहीं करदियां तां कानून बिल नहीं पेश हुंदा। ते लेकिन उह इहनां ने सब कुछ नूं सिक्के लंघ के सीधे तौर ते लिया के अपने बिल ते कानून बणा दित्ते ने। और मैनू जिहड़ी गल पता लगी कि राज्यसभा दे विच भी वह बिल हाले प्रॉपर पास नहीं होया सी, उस बिल ने कानून बनाता जिहड़ा कि बहुत ही एक मैं कहना वड्डी ब्लंडर मिसटेक है इन्हां दी। और दूजी गल जिन्हां लोकां वास्ते कानून बनाया जो उही उहदे खिलाफ ने उन्हां नूं माफ नहीं है, तो वह कानून कहदे वास्ते है? जिहड़े कानून बनते हैं हमेशा जां कानून अमेंडमेंट हुंदी आ जब पार्लीमेंट जाते हैं जब राज्यसभा जाते हैं वो लोगों की भलाई वास्ते, लोगों दुखी करने वास्ते नहीं होंगे। ये जो तिने काले कानून ने लोगों दुखी करने वास्ते बनाए गए हैं। ये नाल साडी कल्ली किसानी नहीं, कल्ला मजदूर नहीं, खेत मजदूर नहीं, जां आड़तिया नहीं, समुची सारी इकोनमी ते बहुत बड़ा असर पाऊगा जिहड़ा वो सारे इस दे विच रखे जाणगे।
खास करके साढ़े तीन स्टेटा बहुत बड़ा असर पैना है तो साढ़े को मंडीकरण सिस्टम हैगा। ये प्रताप सिंह कैरो की एक बड़ी बड़ी सोच सी कि उन्हें मंडीकरण सिस्टम उस लागू किया और बकायदा ये है कि सानू 94% लोग जोड़े से उपर मंडी से 6% जो असी पंजाब हरियाणा वैस्टर्न यूपी के लागू है और उत्तर का किसान अपने आप को सिक्योर समझता है लेकिन बाकी सारी जगह देखना जो अपने यूपी बिहार तो इतने काम करने वास्ते आते हैं मजदूर और ईवन बहुत सारे किसान ने उन्होंने को लैंड भी हैगी है 5-6 किले जमीन भी हैगी है पर कोई बिघा किते है तो इस करके साढ़े को बेचारे साढ़े दुकाना बढ़ के जाते हैं जो साड़ी कणक बढ़ के जाते हैं जो झोना लाने वास्ते आते हैं क्यों आते हैं साढ़ा 2 एकड़ वाला किसान भी बाहर मजदूरी करने जाता वह भी 4 एकड़ नाल ठेके से लैके खेती करता वो जी साड़ी सरकारी खत्म करने वास्ते इन्होंने किया तो जिमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी उदों भी यह होया कि उन्होंने हिंदुस्तान पहला बिजनेस स्टार्ट किया हौली हौली हिंदुस्तान ने सारा बिजनेस कह चुके हिंदुस्तान गुलाम बना लिया तो उदों भी पंजाब के लोगों ने पूरा हिंदुस्तान 200 साल गुलाम रहा पर पंजाब सिर्फ 90 साल रहा और पंजाब के लोगों ने उदों भी अपनी गैरत दिखाई तो वो खिलाफ़ लड़ाई बिढ़ी तो अज भी पंजाब के लोग अगे आए हैं मैंने पूरी गरंटी इस गल की कि ऐसे जित किसानों की होएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा सरकार को झुकना चाहिए। सर MP ने जो गुरदासपुर तो सनी दियो उन्होंने नज़र तो नहीं आए कि हाल तक किसी भी धरने च पर उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि जेडे सरकार का किसानों का आपसी मसला है तो यह आपस में बैठ के नजिठ लेंगे जेडे अपने स्वार्थ वास्ते अड़चना पा रहे हैं वो पिछे हो बिल्कुल वो गलत बयानबाजी है वो अपने स्किन सेव करनी चाहता है स्वार्थ तार हम लोगों से गल करे अज गुरदासपुर चाहे वो धरने से बैठता उत्थे आके मोदी के बाद धरना ला के बैठता कि मैं उतो चुन के आया लोगों मैंने वोटा पाइया ने तो अज ये कानून वापस लाओ कोई बंदा अज जे प्रकाश सिंह बादल की नूह गल कहे असी बेकसूर हैं गलत गल है सीधे तौर पर प्रकाश सिंह बादल का परिवार वो नूह सुखबीर बादल जिम्मेवार ने 15 सितंबर तक ये लोग छोले गाँव से कानून आ गए और जो उन्होंने देखा साढ़े हाथों जमीन निकल गई साढ़े पैरों थलो फिर उल्टे पास चल पे लगातार मीटिंगा की जा रही 9 तरीक फिर मीटिंग रखी गई है कि समय मीटिंगा का कुछ हल निकल सकता है। देखो ये गलबात जो कोई मसला है गलबात नहीं होना है गलबात किस माहौल जिंदर मोदी आप शामिल नहीं होंगे जब अमित शाह शामिल नहीं होंगे उन्होंने मसला हल नहीं हो सकता। बादल साहब ने कहा मैं अवार्ड वापस करना अवार्ड तो है लेकिन जी पेंशन जिस पर लाभ मिल रही ने वापस करनी चाहिए नहीं नहीं पेंशन तो पंजाब गवर्नमेंट देती है सेंटर गवर्नमेंट थोड़ा देती है और दूजी गल यह हैगी है कि प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड क्या वापस करने की जरूरत है उस जो सब तो पहला NDA का वो हिस्सा से तो जो कैबिनेट की मीटिंग नूह बैठी सी तो अज सुखबीर सिंह बादल कहना सानू तो ऑर्डिनेंस तो पढ़े ही नहीं यहाँ तुम अनपढ़ो लोगों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की जो अवार्ड वापस कर लड़े जित के अवार्ड लिया हो केजरीवाल को पता भी मेरा भी हम सुखड़ा साफ हो जाना जो मैं नहीं जाऊंगा अज सिर्फ लोगों ने जे केजरीवाल जिस हिट होंगे तो उन्हें वो नोटिफाई क्यों किया कानून सर केंद्र कहती है कि किसान घट एजेंसियां शायद ज्यादा ने नहीं एवें गलत गल है अज पंजाब का बच्चा बच्चा उन्होंने किसानों के नाल खड़ा है असी मैं बतौर कांग्रसी असी भी कल धरना लावांगे ये साड़ा एक डेमोक्रेटिक राइट है तो कोई रोक नहीं सकता अज कला किसान नहीं किसान के पूरा पंजाब का बिजनेसमैन भी पंजाब का हर तबका पंजाब का स्पोर्ट्समैन भी हर बंदा डॉक्टर भी ईवन बहुत आप सेवा करने वास्ते पहुंचे हुए ने यह भुलेखा अज हरियाणा का किसान भी उठ जा गया अज यूपी का किसान भी अवेयर है अज बाहर छत्तीसगढ़ का किसान भी आ गया राजस्थान का भी आ रहा है मध्य प्रदेश का किसान भी आ रहा है तो जो तू जो 2-4 दिन होर कोई मसला हल नहीं होंगे तो देखना पूरे हिंदुस्तान से हल चल हो जाएगी।